हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्लांट्स शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है प्लांट्स के अंदर, खुद से भोजन बनाते हैं अपना। क्या करते हैं भाई, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं। कौन ट्रैप करता है इनमें सनलाइट को भाई, उनको पकड़ लेते हैं उनमें प्रेजेंट पिगमेंट। कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड ये जो एनर्जी है ये क्या कर रही है, ये देखिए, ये एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में काम आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, तो वो मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए इतनी सारी माथापच्ची कर रहा है कौन, प्लांट्स कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। क्योंकि ये उनका मोड है और वो उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि हम क्या खाते हैं, हम प्लांट्स को ही खाते हैं जिससे हमें ये ग्लूकोज है या फिर और अनदर बायोमोलिक्यूल्स जो है वो भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्लूकोज जो कि उसमें प्रेजेंट होता है किस फॉर्म के अंदर, स्टार्च के फॉर्म में। यानी ग्लूकोज का स्टोरेज जो है प्लांट्स किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। देन ये स्टार्च का फर्दर ब्रेक डाउन जब हम उनको खाते हैं तो हमारे अंदर किस तरीके कैसे होता है डाइजेशन, वो हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम बात करेंगे प्लांट्स में होने वाले फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो प्लांट्स ही केवल फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, प्लांट्स के अलावा बैक्टीरियाज, अगर आप साइनो बैक्टीरिया आपके दिमाग में होगा तो वो बैक्टीरियाज, ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज, ग्रीन बैक्टीरियाज हैं, सल्फर पर जो बैक्टीरियाज हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी के साथ में अगर युगलीना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों करेक्टर रख रहा है, उनमें भी मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में अगर नॉर्मल मैं बोलना चाहूं तो मैं कहूंगी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, शुगर फॉर्मेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर में क्या क्या हमें दिया है। तो देखिए, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम यहाँ पर हायर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में बाकी सब भी कर ही रहे हैं, एल्गी है, जो भी जितने भी हमारी लोअर प्लांट्स हैं तो वो भी ये काम कर रहे हैं। तो ग्रीन जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो लोअर है या हाई, सभी जो है वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअल में एक तरह का हम बोलते हैं कि फोटोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि सनलाइट को यूज किया जा रहा है। क्या ऐसा ही होता है, हमेशा सनलाइट को ही यूज करते हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब फूड बनाते हैं, लेकिन केमिकल एनर्जी जो होती है उस केमिकल रिएक्शन से जो रिलीज होने वाली एनर्जी उसको यूज करते हैं, उनको हम कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ उनके बारे में नहीं, हम यहाँ फोटोसिंथेटिक जो है उनके बारे में बात करें जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कट अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हुए चलिएगा। बैक्टीरियाज में हमने पढ़ा ना कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, तो वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स केमिकल एनर्जी से रिलीज होने वाले जो है एनर्जी उसको यूज करते हैं फूड मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस जो है ये क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए है, एक तो क्या है, फूड बनाना है, दूसरा उसका काम क्या है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन ही है जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए, हमारे से हम बोलते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एटीपी जनरेट होता है। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा समझिए, होता क्या है, सनलाइट की एनर्जी आई है ना। अब देखिए सिंपल शब्दों में, सनलाइट से जो है एनर्जी आई, ये एनर्जी आ गई है, ठीक है। इस एनर्जी को जो क्लोरोफिल है उसने क्या किया, ट्रैप कर लिया। बट ये क्लोरोफिल है किसमें, ये क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स में है, ठीक है। मैं फ्लावर बना देती हूँ, वैसे तो मुझे लीफ बनानी चाहिए क्योंकि लीफ के अंदर जो है ये फोटोसिंथेसिस होता है, बट मैं फ्लावर इसलिए बना रही हूँ थोड़ा सा अच्छा सा समझने के लिए। तो प्लांट्स में एनर्जी गई, क्लोरोफिल ने क्या किया, उससे बना लिया फूड, और वो फूड क्या होता है, वो फूड होता है ग्लूकोज। इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन निकली, ये जो ऑक्सीजन है इसका यूटिलाइजेशन प्लांट खुद भी करते हैं, और इसके साथ में हम जैसे एनिमल्स जो हैं वो भी इसको यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। यही ऑक्सीजन जो है इनमें प्रेजेंट जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या करवाती है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाती है, जिससे एटीपी जो है वो जनरेट होती है, और ये एटीपी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेती है, काम में आती है। सेम यही चीज हमारे अंदर भी होती है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उस ऑक्सीजन को हम हमारे अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज या फ्रक्टोज
उसको तोड़ने के लिए करते हैं, और जिसकी वजह से एटीपी जो है वो बनती है, और उस एटीपी का यूज हम डिफरेंट एक्टिविटीज में करते हैं। तो सनलाइट से क्लोरोफिल ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे फिक्स किया और बना क्या, ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के साथ में, ग्लूकोज बनने के साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही मेन है, क्योंकि ये फूड बना रहा है, और उस फूड के ब्रेकडाउन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन में, वो ऑक्सीजन भी प्लांट्स ही जनरेट कर रहे हैं इस फूड को बनाने के दौरान। चलिए अभी और बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में बाकी सारी चीजें हम लोगों ने ये पढ़ी ली है, बट हम लोग अगर हम लोग देखें, क्योंकि हमने चार चीजों के बारे में बात की है, सनलाइट के बारे में हमने बात की, हमने क्लोरोफिल के बारे में बात की, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की, और जिसके बारे में बात नहीं की वो है, रह गया है हमारे पास में वॉटर। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ये वॉटर की प्रेजेंस में होता है। वॉटर की स्प्लिटिंग भी इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉटर की स्प्लिटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वॉटर की रिक्वायरमेंट भी इस पूरे प्रोसेस में रही चाहिए, ठीक है। तो बट पहले हम वन बाय वन चीजें जो है समझते हैं कि कैसे हमें पता चला कि यही चीजें जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे चाहिए होती है। तो उसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई सारी डिस्कवरीज हुई, जिससे हमें ये सारी चीजें पता चली कि आखिर फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन पार्ट ले रहा है। चलिए क्लोरोफिल जो है वो काम में आ रही है, ये पिगमेंट जो है वो काम में आता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आप क्या टेस्ट कर सकते हो, आयोडीन टेस्ट करके आप बता सकते हो कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हमें टेस्ट पता है तो हम वो कर सकते हैं। अब देखिए पहले हमने क्या किया, हमने दो प्लांट लिए और उस प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट लीफ है वो उसी से जुड़ी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, एक लीफ को तो हमने डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में पूरा रखा है तो वो फोटोसिंथेसिस कर रही है, बट एक लीफ जो है उसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, यानी उसका हाफ पार्ट तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट के कॉन्टेक्ट में और आधा हिस्सा नहीं है। जो हिस्सा सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं था, जब यहां स्टार्च टेस्ट किया तो हमें मिला नेगेटिव टेस्ट, तो हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, सनलाइट की। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पता चल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक और एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर क्या किया गया कि जो हाफ लीफ होती है उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डुबो दिया गया, जिसके अंदर KOH का सॉल्यूशन था। ये KOH क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, CO2 हटा देता है। तो यहां पर हमने फिर क्या किया, वही स्टार्च का टेस्ट किया तो हमें पता चला यहां स्टार्च नहीं है। रीजन कि CO2 उसको नहीं मिला, यानी कि CO2 की भी रिक्वायरमेंट रहती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, इस टेस्ट से हमें पता चलता है जब हमने KOH के सॉल्यूशन के अंदर उसको रखा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अभी CO2 भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। देखिए कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे प्रिस्टलिन एक्सपेरिमेंट किया था 1774 में, बताया कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अब उसके लिए कैसे पता चला उसको, उसने एक बेल जार जो है एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक बेल जार में उन्होंने कैंडल को जलाया और माउस को रखा। माउस क्या हो गया, थोड़ी देर बाद में उसकी घुटन की वजह से मौत हो गई। रीजन ये था क्योंकि मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो रही थी, जिस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ने से सफोकेशन हुआ और उसकी डेथ हो गई। देन उसने क्या किया, वहां पर उसी बेल जार के अंदर नेक्स्ट एक और बेल जार लिया, जिसमें मिंट प्लांट को अबकी बार साथ में रख दिया। अब देखा तो कुछ टाइम बाद में भी देखा तो सर्वाइव कर रहे, कैंडल भी जल रही है और जो आपका माउस जो है वो भी सर्वाइव कर रहा है। रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा यहां प्रेजेंट प्लांट जो है उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज किया, देखिए। और उसी के साथ जो कैंडल बर्न कर रही है और उस बर्न होने से CO2 जो रिलीज हुई, या फिर इसके हम बोल रहे हैं कि एक्सहेल करने से माउस के जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन मिंट प्लांट ने कर लिया। जब मिंट प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन में जब हम रेशियो निकालेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है, और चूंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो यहाँ पे कैंडल भी जल रही है और उसके साथ में माउस जो है वो भी क्या है, जिंदा है। तो ये पता चला हमें कि ऑक्सीजन निकलती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ऑक्सीजेनिक है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए ये इंजन हाउस जो है उसने भी फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, इंजन हाउस ने बताया कि अगर आप बेलजार को सनलाइट के कॉन्टेक्ट, वही पूरा इस सेटअप को अगर आप सनलाइट में रखो और बिना सनलाइट के रखो, तब आपको समझ में आता है, जब सनलाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, देन सफोकेशन हुआ और माउस की डेथ हुई। सनलाइट में रहा तो फोटोसिंथेसिस हुई, तो ऑक्सीजन जनरेट हुई और माउस जो है जिंदा रहा, यानी सनलाइट भी बहुत जरूरी है इस चीज को बताया। चूंकि हमें हमारे पहले के एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी
समझा है उससे भी हमें पता चल रहा है, और इंजन हाउस जो है उसके एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चल रहा है सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसको और समझाने के लिए उन्होंने एक्वेटिक प्लांट को क्या किया, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रखा, और एक दूसरे हमने इन्होंने एक्वेटिक प्लांट को विदाउट सनलाइट यानी डार्क जो है डार्क प्लेस में रखा। सनलाइट में जब था एक्वेटिक प्लांट तो उसके चारों तरफ बबल्स आ जाते हैं, वो बबल्स किसके होते हैं, वो जो ऑक्सीजन जिसको छोड़ते हैं रिलीज करते हैं उसके बबल्स थे, जबकि जो एक्वेटिक प्लांट सनलाइट जहां नहीं है डार्क प्लेस है वहां रखा हुआ है उसके चारों तरफ बबल्स उसको दिखाई नहीं दिए, तो उसको पता चल गया फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, इसका मतलब सनलाइट बहुत जरूरी है। तो सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, एसेंशियल है, किसने बताया, इंजन हाउस ने बताया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर जूलियस वॉन सैक ने हमें क्या बताया, जूलियस वॉन सैक ने हमें बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करते हैं सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमें जूलियस वॉन सैक ने बताई। उसी के साथ में उन्होंने बोला कि इस पूरे प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये एक्चुअल में हमें एक्सप्लेन किया जूलियस वॉन सैक ने। उसके बाद में आ जाता है एंजल मैन ने हमें लाइट का हम बोलते हैं फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमें प्रोवाइड किया। इसने क्या किया, उन्होंने सनलाइट को प्रिज्म जो होता है उससे गुजारा, जब प्रिज्म से गुजारा तो वो क्या होती है सनलाइट जो होती है वो फैल जाती है, उसे हमें रेनबो मिलता है। रेनबो क्या है, विबग्योर जो है ये हमें सारी वो पूरी एक लाइट जो है वो क्या होगी विबग्योर के अंदर क्या हो जाती है इस तरह से फैल जाती है। अब उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन में क्या था, बैक्टीरिया थे और उसी के साथ में हमें बोल रहे कि क्लेडोफोरा जो ग्रीन एल्गी होती है उस एल्गी को और एरोबिक बैक्टीरियास का एक घोल तैयार किया और उस घोल को उन्होंने रखा। जब उस घोल को उन्होंने देखा तो बैक्टीरियास की ग्रोथ जो थी वो ब्लू लाइट के पास में और रेड लाइट के पास में सबसे ज्यादा उनको मिली। क्यों, बैक्टीरिया की ग्रोथ से कैसे पता चला, क्योंकि जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुआ होगा, जहां ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा वहां एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ करेंगे, राइट, इस चीज से आप समझिए। तो जहां पे ब्लू लाइट थी और जहां रेड लाइट थी वहां पर क्या है ज्यादा हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ मिली। तो इसका मतलब हम सनलाइट से आने वाली जो हमारी लाइट होती है उसमें से कौन सी लाइट को यूज करते हैं, वहां ब्लू और रेड लाइट को जो है मेनली यूज किया जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखिए इनकी जो अगर वेवलेंथ निकालते हैं तो इनकी वेवलेंथ जो आती है वो आती है 390 से 760 के बीच की। तो 390 to 760 nm जो होता है वो जो ये जो हम बोलते हैं कि ये जो पूरा हम बोलते हैं कि ये ना वेवलेंथ होती है इसके बीच की जितनी भी है वो सभी विबग्योर के लिए होती है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो 390 से अगर मैं बोलूं 760 नैनोमीटर इस वेवलेंथ की जितनी भी है ये किसके लिए होती है, ये वेवलेंथ जो है वो विबग्योर के लिए होती है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इससे कम और इससे ज्यादा इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड, और उसको हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये जो है ये हमें किसने बताया, एंजल मैन ने हमें बताया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, तो ये सब चीजें हमें एंजल मैन ने बताई तो हमें पता चल गया कि सनलाइट से ब्लू एंड रेड लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर हुआ आपको। चलिए, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना पिगमेंट कौन से यूज होते हैं और उनके लिए जो ग्राफ दिए गए एनसीईआरटी में वो वहां पे और हमें क्लियर हो जाएगा। कार्ल फिर उसके बाद में वॉन नील जो है, वॉन नील ने हमें क्या बताया, वॉन नील ने हमें ये बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलकर क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुई ये कहां से आई, तो उसको बताने के लिए उन्होंने बैक्टीरियाज पे देखा फोटोसिंथेसिस। कौन से बैक्टीरियाज, सल्फर आपके जो पर्पल बैक्टीरियाज और ग्रीन बैक्टीरियाज में अगर आप देखोगे तो पर्पल बैक्टीरियाज क्या करते हैं H2S को यूज करते हैं, क्योंकि वो H2S को यूज करते हैं तो स्प्लिटिंग भी H2S की होगी, H2S टूटेगा तो सल्फर रिलीज होगा। तो वहां पर सल्फर जब रिलीज होता है तो पता चल गया कि ये सल्फर बाहर आया, इसका मतलब अगर यहाँ पे वाटर स्प्लिट होता तो ऑक्सीजन कहां से बाहर आता, वाटर से आता, यानी इवॉल्व होने वाली ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, वाटर की स्प्लिटिंग से मिल रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लूकोज के अंदर फिक्स होने में उसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल काम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और इस चीज के बारे में हमें वॉन नील ने बताया, बैक्टीरियाज पे हमारा कॉन्सेंट्रेट करके वहां पे ऑब्जर्व करके हमें इस चीज के बारे में बताया कि सल्फर निकली, इसका मतलब ऑक्सीजन जो निकली वो कहां से रिलीज हुई, वाटर की स्प्लिटिंग से आई। तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर की स्प्लिटिंग से मिलती है हमें। ठीक है, चलिए इसी के साथ में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो कि लीफ की मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेसोफिल कोशिकाएं जितनी भी होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, फिर से देखिए,
क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, आउटर व इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मिडल एरिया जो है उसका हम बोले लिक्विड एरिया, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। यहां कई सिक्के के ढेर जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, इन सिक्के की ढेर जैसी संरचनाओं को क्या बोला जाता है, थाइलेकॉइड। ये थाइलेकॉइड जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो है इसको आप थाइलेकॉइड बोलिए, लैमेलीज बोलिए, है ना, और आप ये जो स्टैक है इसको ग्रेना बोलिए। तो ये बात एक ही है, ये जितनी भी लैमेलीज होती हैं, ये जो सिक्के के ढेर है ये भी आपस में डिफरेंट लैमेलीज से कनेक्टेड रहता है, दोनों में डिफरेंस है इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये है स्ट्रोमा लैमेलीज जो दो ग्रेना को कनेक्ट करने का काम कर रही है, और ये है थाइलेकॉइड जो है ये हम बोलते हैं इनको ग्रेना लैमेलीज। ठीक है, तो ये तो है ग्रेना लैमेलीज और ये है स्ट्रोमल लैमेलीज, दोनों में डिफरेंस आएगा जब हम फोटोसिंथेसिस आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिए ये दो तरह की लैमेलीज प्रेजेंट है, यहां पर होती है लाइट रिएक्शन, अभी के लिए इतना याद रखिए, और जो स्ट्रोमा पार्ट है यहां पर होती है डार्क रिएक्शन। तो इसका मतलब यहां लेबर डिवीजन देखने को मिला, थाइलेकॉइड यानी ये जो लैमेलीज है इनकी मेम्ब्रेन पर होती है लाइट रिएक्शन परफॉर्म, लेबर मिला उनका अलग काम है, स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन, यहां ने की ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो कहां हो रहा है, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर हो रहा है। यानी यहां पर दो साइकिल हमें पढ़ने पड़ेंगे, या दो हम बोलते हैं पढ़ने पड़ेंगे, एक लाइट रिएक्शन के बारे में और एक डार्क रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब ये लाइट और डार्क रिएक्शन क्या है इसको थोड़ा और समझते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको क्लोरोप्लास्ट, उसके अलावा राइबोसोम प्रेजेंट है इनके अंदर, ये हमने डिस्कस किया है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, ये क्या बोलते हैं ना, इनके पास में इनका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीजें आपको मालूम है, ये हम लोगों ने सेल पढ़ते टाइम हमने सब डिस्कस किया है। चलिए पिगमेंट्स इनमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए चार तरह के पिगमेंट हैं जो इसमें काम आते हैं। ये कैसे पता चला कि जब आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट लेते हो और एक्सट्रैक्ट को क्रोमेटोग्राफी में उस एक्सट्रैक्ट को सेपरेट किया, सारे पिगमेंट्स को सेपरेट किया, तो हमें पता चला कि इसमें चार तरह के क्या है, पिगमेंट है। अब वो पिगमेंट जो होते हैं वो करते हैं क्या, पिगमेंट एक्चुअल में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से कलर शो करते हैं। हर पिगमेंट अलग अलग तरह का कलर शो करता है अपने तरह का, जैसे क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल वर्ड आते समझ में आता है कि ग्रीन कलर जो है उसकी वजह से डेवलप हो रहा होगा, पर यहां पता चलेगा कि क्लोरोफिल के भी टाइप है। देखिए यहां पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दो जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए ये कौन से करते हैं, ये ब्लू से ग्रीन कलर जो है ना उस कलर के दिखाई देते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी येलो ही ग्रीन होते हैं, यानी ब्लू ग्रीन है क्लोरोफिल ए, येलो ग्रीन है क्लोरोफिल बी। जेंथोफिल येलो कलर के हैं और कैरोटीनॉइड्स जो है वो येलो से येलो ऑरेंज कलर के हैं। ठीक है, तो चार तरह के पिगमेंट जो है वो यहां काम आ रहे हैं, क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल, जिसमें से क्लोरोफिल ए जो है ये मेन है। मेन कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है क्लोरोफिल ए ये एक्चुअल में रिएक्शन सेंटर बनाते हैं, जब हम पढ़ेंगे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में मेन रिएक्शन सेंटर होता है, जो हम ये बोल रहे हैं कि एक्साइटेड होता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ते हैं थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, और जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं एटीपी भी बनता है और NADH2 का फॉर्मेशन भी होता है, बट वो आगे पढ़ेंगे। ये रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है, अभी आप ध्यान रखिए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड ये तीनों क्या है, शील्ड मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में क्लोरोफिल ए को बचाते हैं ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो ये चार तरह के पिगमेंट्स यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी इन चारों पिगमेंट से रिलेटेड ये ग्राफ आपको दिए गए हैं, तीन ग्राफ। अब देखो आप यहां ग्राफ को आप अगर मेजर करोगे तो फर्स्ट ग्राफ जो है वो आपको क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि कौन ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखो आप अगर देखेंगे तो बी जो है वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कैरोटीनॉइड सबसे कम, और क्लोरोफिल ए मिडिल की लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमें क्या लगता है, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल बी हो गया, ऐसा नहीं है, अभी और डिस्कस करेंगे आगे। बट यहां पे देखो तो यहां पे जो ये एक्स जो हम बोल रहे हैं कि ये जो एक्स आपकी एक्सिस है, इस पर जो लिया गया वो वेवलेंथ ली गई है किसकी, आपकी इन्हीं लाइट्स की। तो देखिए ये जो वेवलेंथ है जो किसके बीच में है, 400 से 500 के बीच में, ये एक्चुअल में ब्लू लाइट के लिए होती है। तो ये जो पीक है ये ब्लू लाइट के लिए, यानी ये ब्लू लाइट को यहां पे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ज्यादा, और अगर यहाँ पे जो आ रही है आपको 600 से 700 के बीच में, तो यहाँ पे है रेड लाइट के लिए, है ना, वेवलेंथ हमें मिलती है। यानी देखिए दो जो है लाइट को ज्यादा ऑब्जर्व करें, चाहे तीनों में से कोई भी हो, ब्लू को और रेड को, तो हमें पता चल गया ब्लू एंड रेड लाइट जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। कंपेरिजन में क्लोरोफिल बी जो है सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर रही है अभी के इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है। सेकेंड ग्राफ जो है वो हमें ये बता रहा है, सेकेंड ग्राफ हमें ये बताता है कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन। तो आप देखोगे जहां ब्लू लाइट है जहां और आपकी जहां रेड लाइट है उस एरिया में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा रिलीज हो रही है। देखो यहां ऑक्सीजन का पीक हमें मिल रहा है, ज्यादा रिलीज हो रही है, यहां पर भी इस वेवलेंथ वाली लाइट के ऊपर भी ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है। यानी ब्लू एंड रेड लाइट जो है जहां पर प्रेजेंट है वहां इन पिगमेंट ने क्या किया, इनको अब्सॉर्ब किया और जो है फोटोसिंथेसिस हुआ और उसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई, ये ग्राफ इसको शो कर रहा है। ठीक है, थर्ड ग्राफ जो है वो क्या बनाया गया, थर्ड ग्राफ के अंदर हमने क्या किया,
ए और बी दोनों को एक साथ ले लिया। अब अगर आप कंपेयर करो तो जहां जिस पीक पर हमें ऑक्सीजन ज्यादा निकलती हुई मिल रही है, जहां ऑक्सीजन ज्यादा निकलती हुई मिल रही है, सेम उसी जगह हमें क्लोरोफिल ए का ग्राफ भी मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ब्लू वाला ग्राफ है, उसी को हमने यहाँ पे देखो रखा हुआ है इसमें। तो जहां पर क्लोरोफिल ए ने अपने ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाई है लाइट की, और वो ब्लू कलर की लाइट है यहाँ और यहाँ रेड कलर की है, वही ज्यादा ऑक्सीजन देखिए आपको रिलीज होती मिल रही है। अगर आप इस ग्राफ को चाहो तो आप बी जो है उसके भी आप पॉइंट बना के आप देख सकते हो कि अगर आप बी के लिए भी बनाते तो शायद कुछ यहाँ मिलता हमें, और अगर कैरोटीनॉइड के लिए बनाते तो कुछ यहाँ मिलता। तो आप देखोगे केवल ए ही एक ऐसा क्लोरोफिल ए ही एक ऐसा है जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होती नजर आ रही है, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस में जो मेन पार्ट लेने वाला मॉलिक्यूल है अगर पिगमेंट का, तो वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए है। वो इसके ग्राफ प्लॉट करने से हमें पता चल रहा है। तो चार चीजें पता चल गई, क्या क्या? एक, ब्लू एंड रेड कलर की लाइट जो है उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है। दो, मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कहां हो रही है? वहीं जहां ब्लू एंड रेड कलर की लाइट है वहीं फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है। कौन ज्यादा कर रहा है? तो क्लोरोफिल ए ही है मेन हमारा पिगमेंट जो ये जो है जो फोटोसिंथेसिस है उसमें मेन पार्ट ले रहा है। और फोर्थ कि बाकी के जो है वो कौन से पिगमेंट है? वो है बी और कैरोटीनॉइड या फिर ज़ैंथोफिल। तो ये एक्चुअल में क्या हो गए? शील्ड मॉलिक्यूल जो एक्चुअल में क्या करते हैं? क्लोरोफिल ए को सुरक्षा देते हैं, ठीक है। चलो, जिसकी वजह रेडिएशन की वजह से जिसका ब्रेकडाउन ना हो जाए। अब देखिए व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या होती है? लाइट रिएक्शन एक्चुअल में पहली बात लाइट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, इस रिएक्शन के दौरान लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। दूसरा, यहां वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर यहां पे टूटता है, ठीक है। तो और इसके साथ में एटीपी फॉर्मेशन होता है और NADH2 यानी NAD का रिडक्शन होता है, NADH2 बनता है। यहां बनने वाली एटीपी और NADH2 का यूटिलाइजेशन डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। तो क्या क्या चीज हुई यहां? वाटर की स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन निकला, तो ऑक्सीजन यहां रिलीज होगी। वाटर की स्प्लिट हो रही, वाटर जब स्प्लिट हो रहा है तब इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो एटीपी और NADH2 फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो एटीपी और NADH2 का फॉर्मेशन होगा और जिसका यूज डार्क रिएक्शन के अंदर होगा। और यहाँ पे लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि लाइट यहाँ पे क्या करती है? एब्जॉर्ब की जाती है। तो एब्जॉर्ब कौन करेगा यहाँ पर? यहाँ क्लोरोफिल जो है या फिर जो आपके कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल यानी पिगमेंट्स जो है यहाँ पर वो उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें आपकी समझ में आ गई यहाँ पर कि क्या क्या है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। अब देखो व्हाट इज लाइट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये परफॉर्म कहाँ होती है? तो ये जो हमारी लेमिलीज थी, ये लेमिलीज मैं बना देती हूँ, वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये लेमिलीज जो होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है यहां पर ये लाइट रिएक्शन जो होती है परफॉर्म होती है। ये जो उसका मिडल का जो पार्ट है ये ल्यूमन पार्ट है, ये थाइलेकोइड की ल्यूमन एरिया है, ठीक है। यहां पर यहां नहीं हो रही है, ये इसकी मेम्ब्रेन पे होती है। तो इस तरह से और थाइलेकोइड आप बना लीजिए तो उनकी मेम्ब्रेन पे ये फंक्शन परफॉर्म, ये सॉरी रिएक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है। यहां पर एक हम ये बोलते हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? एक तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे उस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन्स होती है जो मिलकर काम करती है। तो प्रोटीन्स तो आपको पता है क्या करती है, प्रोटीन तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे भेजने का काम करती है और क्या करती रहती है, एटीपी और जनरेट करवाने का काम कर देती है, ठीक है, और रिडक्शन करवाने का काम भी कर देती है, दोनों ही काम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है प्रोटीन तो, बट ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? ये इलेक्ट्रॉन आते हैं पिगमेंट से, और पिगमेंट में ये इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइटेड होकर बाहर निकलेंगे? उसका रीजन क्या होगा? वहां पर वाटर स्प्लिटिंग होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर वाटर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो उनके एक्साइटेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बट ये इलेक्ट्रॉन निकले कैसे, एक्साइटेड कैसे हुए? वो एक्साइटेड होंगे जब वो किसी पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो लाइट को करेंगे तो एक्साइटेड हो जाएंगे। जब एक्साइटेड हो गए तो क्या होंगे, वापस से अपने नॉर्मल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटीन के थ्रू आगे पास होगा एंड देन वो एटीपी जनरेट करेगा और हम क्या कह रहे हैं, एनएडी का रिडक्शन करने का काम भी करेगा। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट है इन सब काम के लिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये एक्चुअल में हम किसको बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 एक्चुअल में दो नेम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी। ये एक्चुअल में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 प्रोटीन प्लस जो हम बोल रहे हैं कि पिगमेंट्स होते हैं उनको बोल रहे हैं। तो जो जिस तरह का पिगमेंट जो जिस बोलते हैं हम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करता है
वो डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे PS1 है वो सेवन, हम ये बोल रहे हैं PS1 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जबकि PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है. तो ना तो ये अपनी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग है और ना ही ये कम या ज्यादा वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उस बेसिस पे. ये एक्चुअल में डिस्कवर जो पहले हुआ उसका नाम PS1 रख दिया गया, जो डिस्कवर बाद में हुआ उसका नाम PS2 रख दिया गया. तो दो तरह के फोटो सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ठीक है, उसी के साथ में हम ये कह रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी इसको बोल रहे हैं, इसी में प्रेजेंट इस कॉम्प्लेक्स को बोल रहे हैं जिसमें प्रोटीन होती है और मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है बीच का सेंटर, ये जो बनाता है ये किससे बनता है, क्लोरोफिल ए से बनता है, जबकि इसके चारों तरफ के बाकी मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो अनदर पिगमेंट्स है. फोटोन यानी कि सनलाइट जो है उससे आने वाली उसको एनर्जी को ये ट्रैप करेंगे. फोटोन जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए. ठीक है, तो क्वांटम नंबर पूछा जाता है कि क्वांटम नंबर कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप ध्यान रखिए. उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे. जब ये फोटोन जो है हम ये बोल रहे हैं गिरते हैं किसके ऊपर, आपके हमारे इनके जो शील्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो पिगमेंट उस पर गिरते हैं, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड होकर वो नेक्स्ट ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं, पर उनको नॉर्मल स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ते हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो देन उनके रिएक्शन सेंटर के पास जाते हैं, रिएक्शन सेंटर जो होता है वो फिर एक्साइटेड हो जाता है, देन फिर वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए वो भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है. इस इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन जो होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है. ठीक है, फिर ये प्रोटीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करने का काम करती है. तो इस पूरे प्राइमरी एक्सेप्टर प्लस ये जो आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है इसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, PS1 एंड PS2 में. अब ये PS1 एंड PS2 जो है ना इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ये क्या है. देखिए PS1 एंड PS2 को चलिए लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे पहले समझते हैं. तो देखिए यहां पर लाइट जो आपकी रिएक्शन होती है इसमें दो तरह की हम ये बोल रहे हैं कि स्कीम चलती है. क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि किसी किसी मेम्ब्रेन पर तो क्या है दोनों ही सिस्टम प्रेजेंट है, PS1 भी और PS2 भी है, लेकिन कुछ ऐसी मेम्ब्रेन है जहां पे केवल PS1 ही होता है. अब ये कौन कौन सी है पहले तो आप ये समझिए. तो ये देखिए हम लोगों ने बनाई ये थाइलेकोइड्स, ठीक है ना, ये है ग्रेना लैमेलीज और ये है स्ट्रोमा लैमेलीज. तो ये जो ग्रेना लैमेलीज होती है इस पर PS1 एंड PS2 दोनों ही सिस्टम प्रेजेंट है, जबकि स्ट्रोमा लैमेलीज में केवल PS1 ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो पहले तो ये याद रखिए. अब देखिए इसको और हम समझते हैं कि क्या होता है. PS1 जो होता है ना, ये PS1 ये एक्चुअल में 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब, वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. PS2 जो होता है ये एक्चुअल में 680 नैनोमीटर की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है. तो देखिए ये है PS2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको बोला वही क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, कोई भी प्राइमरी कोई भी प्रोटीन हो सकती है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेंगे. लाइट आई फोटोसिस्टम सेकंड कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट जो है उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. जब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे. बट यहां पर क्या है, ये जो रिमूव ये कंटिन्यू इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती रहती है. तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कैसी होती है, क्योंकि जब सनलाइट गिरती है तो यहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट होता है. जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो क्या मिलेगा, एक तो प्रोटॉन मिलेंगे, इसी के साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, और इसी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिमूव होंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यू इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को यानी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को मिलते रहते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, देन फिर वो वापस नॉर्मल स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है उसको आगे पास करते हैं. तो कंटिन्यू इनको इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं. तो PS2 जो होता है उसको कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और वहां पर क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है. PS2 वाटर स्प्लिटिंग से रिलेटेड है, ऑक्सीजेनिक है, यहां ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड देन ट्रांसपोर्ट कर देगा किसको, ETS को. ETS में ATP प्रोडक्शन होगा, ठीक है, एंड ये ETS फिर आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, PS1 को. याद रखिए PS2 हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को PS1 को ट्रांसफर करता है, ठीक है. PS1 जो है वो PS2 को अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये हम नहीं कह रहे, बट PS2 का इलेक्ट्रॉन जो है PS1 के पास जरूर जाएगा. क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली सनलाइट को तो एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बट यहां पर वाटर स्प्लिटिंग नहीं है तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन इनको नहीं मिलते हैं, ठीक है. तो देखिए फिर ये क्या करता है, PS2 से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ये बोले PS1 के पास गया, अगेन वहां पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड करेगा, देन नॉर्मल होंगे, देन इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, एंड देन वहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा और
जो आपकी मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या करता है, ये एनएडीपी जो है उसको उसका रिडक्शन करके एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो एनएडीपीएच है, ये एनएडीपीएच और यहां ईटीएस में बनने वाले एटीपी, ये दोनों डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज को बनाने में काम में आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लाइट रिएक्शन वाला जो काम है, ये जो क्यों कर रहे हैं, ये लाइट रिएक्शन क्यों हो रही है परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एटीपी और एनएडीएच बनना है और ये एनएडीएच जो है डार्क रिएक्शन में काम आएंगे। क्लियर आप लोगों को? अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है फिर क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ईटीएस को दे देता है। ठीक है, ताकि फिर से एटीपी और जो है बनते रहे। तो इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इस तरीके से चल सकता है। और अगर नॉन साइक्लिक देखें तो इस तरीके से लाइट आई, देन फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, देन ईटीएस के पास डाउनहिल, एंड देन फिर आप डाउनहिल मूवमेंट देखेंगे पीएस वन में भी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एनएडीपीएच जो है उसका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, कंटिन्यू यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां पे जा रहे हैं, जबकि इनमें कंटिन्यू क्या है, इसी में साइक्लिक रूप से घूमते रहते हैं। तो जहां पीएस वन होगा वहां पे केवल क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइट आएगी, कौन सी, 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको या तो ईटीएस को ट्रांसफर करके एटीपी जनरेट करवाएगा, या तो नहीं मतलब करवाएगा ही, और उसके साथ में वो रिडक्शन करेगा एनएडीपी का एनएडीएच में, एनएडीपीएच में। ठीक है, और इस तरह से साइक्लिक रूप से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी में पूरे में घूमते रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्यों बोला, क्योंकि एटीपी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये साइक्लिक हुआ। नॉन साइक्लिक कब हुआ, जब पीएस टू काम में आ रहा है, जब 680 एनएम की क्या हो रही है लाइट आ रही है, तब क्या होगा, तब पीएस टू इसको परफॉर्म करवाएगा, बट पीएस टू अपना इलेक्ट्रॉन पीएस वन को दे देता है और इनको कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर के स्प्लिटिंग से मिलते रहते हैं, ये इसी में इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं है। ठीक है, तो लाइट कौन सी आई है उसी के हिसाब से वो पीएस फोटो सिस्टम जो है वो काम में आएगा। ठीक है, और आप जानते हैं लाइट तो क्या है, उनकी अलग अलग एक साथ में आ जाती है, 680 700 अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट्स आ जाती है, तो उसके हिसाब से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि यहां पर जो आपकी स्ट्रोमा लेमिनीज है, यहां वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहां ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व हो रही है, जबकि थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, यानी कि ये ग्रेना लेमिनीज जो है, चूंकि यहां पीएस टू प्रेजेंट है, इस वजह से यहां पर ऑक्सीजन भी बनेगी और हम बोल रहे हैं वाटर की स्प्लिटिंग भी होगी। यहां केवल साइक्लिक प्रोसेस होगा, यहां साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक किसको बोला, जब पीएस वन ही काम में आ रहा है ना, केवल वही काम कर रहा है, और अगर पीएस टू भी अगर काम कर रहा है तो देन पीएस टू काम करेगा तो पीएस वन को तो अपने आप काम करवा ही देगा, तब कौन सा होगा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन होगा। इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए जेड शेप में हमें नजर आ रहा है। क्लियर हुआ आपको, इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। चलिए, ये है लाइट रिएक्शन, ये देखिए साइक्लिक ईटीएस में आप देखो क्या होगा, लाइट 700 नैनोमीटर की लाइट आई, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एंड देन फिर क्या हो रहा है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया एंड एटीपी जनरेट हुई। यस, ये चीज यहां हो रही है। ये याद रखिए रिडक्शन जो है वो केवल नॉन साइक्लिक में हो रहा है, यहां पे साइक्लिक में नहीं हो रहा है। अब हम पीएस वन एंड पीएस टू को कंपेयर करते हैं। चलिए ये देखिए, तो पीएस वन कहां लोकेटेड है, ये है ग्रेना में और स्ट्रोमा में, दोनों में, जबकि सेकेंड जो है केवल किसमें है, ग्रेना लेमिलीज में ही है। ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 700 नैनोमीटर की, जबकि ये 680 की। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा प्रोसेस करा रहे हैं, ये नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों ही प्रोसेस में पार्ट लेता है पीएस वन, जबकि पीएस टू केवल नॉन साइक्लिक में ही पार्ट लेता है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन कर रहे हैं और साइक्लिक भी करेंगे ना, ये तो दोनों ही कर रहे हैं, बट ये जो पीएस वन होते हैं ये नॉन साइक्लिक के टाइम पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पीएस टू से लेते हैं, और साइक्लिक के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका खुद का ही होता है, अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। जबकि यहां पर देखिए पीएस टू में फोटोलाइसिस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का सनलाइट जो है वो क्या करवा रही है, सॉरी वाटर का सनलाइट क्या करवा रही है, स्प्लिटिंग करवा रही है। तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, लाइट गिरती है वाटर पे, देन वो स्प्लिट होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पीएस वन को क्या करते हैं, पीएस टू को एक्साइटेड करते हैं, जबकि पीएस टू जो है पीएस वन जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, फोटोन उसको मिलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि वो जो क्वांटम है वो नंबर के बारे में हम पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है हमारे पास में। फिर देखिए
यहाँ पे हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व नहीं हो रही, बिल्कुल PS1 वाटर स्प्लिटिंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनेगी, जबकि PS2 जहां भी होगा वहां ऑक्सीजन बनेगी। नाउ द क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया हिट्रोसिस सेल्स, अगर याद आ रही हो तो वहां पर कौन सा जो है फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है, तो हम कहते हैं वहां केवल PS1 होता है, PS2 नहीं होता, क्योंकि अगर हिट्रोसिस सेल में PS2 होता तो वाटर स्प्लिटिंग होती, वाटर स्प्लिटिंग होती तो ऑक्सीजन रिलीज होता, ऑक्सीजन अगर रिलीज होता तो वहां प्रेजेंट नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम में आता है वो काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो हम बोलते हैं कि एनएरोबिक कंडीशन के अंदर काम करता है, ऑक्सीजन उसको क्या कर देती है, इनएक्टिव कर देती है, तो इस वजह से वहां पर PS2 नहीं होता, वहां केवल PS1 प्रेजेंट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? इन साइनोबैक्टीरिया हम बात कर रहे हैं। चलिए, नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। फोटोलाइसिस के बारे में बात करें तो देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने के लिए, O2 के रिलीज के लिए दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, टूटते हैं, जिसकी वजह से चार प्रोटॉन और चार इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव के लिए कितने फोटोन चाहिए, दो, क्वांटम नंबर पूछ लेते हैं, तो कितना क्वांटम नंबर है, तो एक ऑक्सीजन के बनने के लिए क्वांटम नंबर पूछे तो भी, और अगर चार, अगर आपके एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है तब भी, तो आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए चाहिए दो फोटोन, एक ऑक्सीजन के इवॉल्व करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने फोटोन चाहिए, आठ, यानी यहाँ पे क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा, 8 होता है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का क्वांटम नंबर, ठीक है, तो 8 फोटोन, ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, कि कितने एक ऑक्सीजन के रिमूव के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, कितना क्वांटम नंबर होता है, तो क्वांटम नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब देखो होगा क्या है ना, लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो गई लाइट के बाद में, अब ATP जनरेट कैसे होगी, जब लाइट रिएक्शन होगी, ये देखिए लाइट PS2 है, ये आपका PS1 है, आपको पता है यहाँ पे ATP फॉर्मेशन हो रहा है, तो होगा क्या, जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो क्या है, प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, चार प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं जब दो वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, तो उस टाइम पे यहां पर क्या हो रही है, प्रोटॉन ल्यूमन एरिया में प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन जब भी कोई भी प्रोटीन या कोई भी हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जो एक्सेप्ट करता है तो वो क्या करता है, उस टाइम पे प्रोटॉन को रिलीज करता है, तो देन ये क्या करते हैं, ये जो है जो आपके पास में इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या फिर ये इलेक्ट्रॉन को जो आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं साइटोक्रोम, तो ये क्या करते हैं, प्रोटोन को रिलीज करते हैं, प्रोटोन को रिलीज कहां कर रहे हैं, ये ल्यूमन में रिलीज कर रहे हैं, देन आपका जो आपका ये PS1 है, ये PS1 जो है ये स्ट्रोमा पार्ट के अंदर क्या कर रहा है, NADP जो है उसका रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब जब वो कंटिन्यू यहाँ NADP का रिडक्शन कर रहा है, यानी प्रोटोन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर क्या होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, जबकि यहां पर अगर देखोगे तो प्रोटोन की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जब प्रोटोन की क्वांटिटी बढ़ेगी और बाहर प्रोटोन की क्वांटिटी कम है तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा ल्यूमन में और स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा यानी कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, ठीक है, तो यहाँ ल्यूमन में और स्ट्रोमा के अंदर एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ, ये ग्रेडियंट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ग्रेडियंट को ब्रेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ATP चाहिए, यही तो ATP काम में आएगा ना, किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो इस ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ATP सिंथेटेज प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ये है F0 और ये है F1, ठीक है, तो ये F0 से होता है F1 में जाता है, F1 और कोई नहीं ATP सिंथेटेज एक तरह का एंजाइम है जो क्या करता है, ATP को फास्फोराइलेट करता है और ATP का फॉर्मेशन करवाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी फास्फोराइलेशन हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन बोलने का रीजन भी आप समझ में आ गया होगा क्योंकि ATP जनरेट होता है, राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक कर रहे हैं, प्रोटॉन जब जा रहे हैं कहां पे, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर है ना, अपनी हायर कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन में, जाते कहां से है, इन F1 पार्टिकल से जा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये ATP सिंथेटिस ATP को बनाता रहेगा और ये ATP फिर डार्क रिएक्शन में काम में आएगी, तो ये हो गया कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और इसी के साथ में कंप्लीट हो जाती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, साइमल्टेनियस है, एक ही टाइम पे होते रहते हैं ये प्रोसेस। केल्विन साइकिल, अब ये देखिए केल्विन साइकिल जो है ये एक्चुअल में डार्क रिएक्शन है जो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं उन सब के अंदर केल्विन पाथवे जो है वो मिलता है, ठीक है, केल्विन साइकिल जो है इसको केल्विन इसलिए बोला गया क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, किसमें बात की थी, ये क्लोरेला जो एक ग्रीन एल्गी है उसके अंदर इसको डिस्कवर करके हमें बताया था कि केल्विन साइकिल एक डार्क रिएक्शन है जिसके अंदर लाइट रिएक्शन से बनने वाले ATP और NADH2 जो होता है उसको यूज किया जाता है और शुगर का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, वही तो फोटोसिंथेसिस है, फूड बनाना। चलिए
तो केल्विन साइकिल अगर आप देखोगे तो इसमें मेनली तीन स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन. इसको फिक्स करने के लिए देखिए, मैं अभी बात कर रही हूँ C3 प्लांट की. C3 प्लांट किसको बोलते हैं? वो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के दौरान तीन कार्बन वाली शुगर को सबसे पहले बनाते हैं, फिक्स करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिक्स करते हैं तो सबसे पहले तीन कार्बन वाली शुगर जिसमें भी बनती है उनको C3 प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, ये C3 प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो देखिए यहां पर क्या, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको फिक्स करने के लिए रुबिस्को एक एंजाइम होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज. तो ये जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को ये दोनों तरह की एक्टिविटी कर पाता है, कार्बोक्सिलेशन भी और ऑक्सीडेशन भी. ठीक है, यहां पर देखिए ये क्या करता है, ये जो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है इसको इसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करवाया जिससे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना. 3-फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब क्या हो गया कि ये ग्लिसरेट है ना, तो कितने कार्बन की शुगर बन रही है? तीन कार्बन की शुगर बन रही है. ठीक है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है. अब देखिए ये किया इसीलिए इसको C3 बोला. कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल फिक्स हुआ. कितना? एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल फिक्स हुआ. नाउ जब ये फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये रिडक्शन करता है, जब ये रिडक्शन प्रोसेस करता है तो उसकी वजह से ट्रायोस फॉस्फेट यानी तीन कार्बन वाली ही शुगर बनती है. बट इस रिडक्शन इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ATP और NADPH क्या एक एक मॉलिक्यूल जो है वो काम में आता है. ठीक है, तो यहाँ एक ATP और एक NADPH मॉलिक्यूल जो है वो काम में आ गया. फिर यहां पर बन जाती है क्या, स्टार्च. लेकिन क्या शुगर या स्टार्च ऐसे ही बन जाती है? क्योंकि बनानी कौन सी शुगर है? हेक्सोज शुगर बनानी होती है. तो हेक्सोज शुगर बनानी है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखिए यहाँ पे 5 कार्बन वाली शुगर है, ये तो हमें अभी पता चल गया. पहले तो हमें क्या लगता था, पहले हमें ये लगता था कि ये तो क्या है, 2 कार्बन वाली शुगर है, ये 1 कार्बन यहां से आया इसकी वजह से 3 कार्बन वाली शुगर बन गई. बट ऐसा नहीं है, ये 5 कार्बन वाली शुगर है, ये 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आया और यहाँ 2 मॉलिक्यूल बने किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के. यानी कि यहाँ पे रिडक्शन में भी कितने यूज आएंगे, ATP. यहाँ 2 ATP और 2 NADPH2 जो है वो यूज में आ जाएंगे, राइट. तो इसके रिडक्शन से फिर क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा. लेकिन ये अभी क्या लेके आते हैं, केवल एक ही ग्लूकोज को, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को लेके आते हैं. जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर इनको यहां बनाना होता है तो उसके लिए इनको 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करना होगा. यानी ये साइकिल जो पूरा है ये 6 बार परफॉर्म होगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस चलता रहे इसके लिए हमें राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का वापस से रीजनरेशन चाहिए. तो देन क्या होगा, रीजनरेशन होगा. रीजनरेशन जो है ये भी यूज करता है 1 ATP को. ठीक है, तो जब ये 1 ATP को यूज करेगा तो यहां पे क्या बनेगा, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वापस से उसका रीजनरेशन हो जाएगा, बन जाएगा. देन फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा. इस तरीके से जब 6 बार साइकिल परफॉर्म हो जाएगी तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज के, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, 1 ग्लूकोज बनेगा. नाउ क्वेश्चन, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है एक ग्लूकोज को फिक्स करते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज में आते हैं तब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, पहला. दूसरा, कितने ATP यूज में आते हैं और कितने NADPH2. तो देखिए ATP कितने यूज आ रहे हैं, 2 और 1 3. ठीक है, साइकिल कितनी बार परफॉर्म हुआ है, 6 बार. तो 6 × 3 किया तो कितना हुआ, 18. तो यहां पर देखिए 18 ATP जो है वो काम में आ रहे हैं. NADPH2 की बात करूं, NADPH की बात करूं तो 2 मॉलिक्यूल यहां पे काम आ रहे हैं और उसके अलावा कहीं और काम ही नहीं आ रहे हैं. तो 2 × 6 किया तो कितना हुआ, 12. तो 12 NADPH. ये कहां से आए हैं दोनों के दोनों, ये दोनों आए हैं लाइट रिएक्शन से आए हैं, लाइट रिएक्शन में बने थे ना वहां से ही आए हैं. तो 18 ATP यूज में आते हैं और 12 NADPH यूज में आते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज में आते हैं, तब जाके बनता है 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने ATP यूज में आएंगे, कितने NADH2 यूज में आएंगे. तो ये देखिए ये चार्ट और टेबल भी आपके दी गई है, इन एंड आउट कितने कितने बनेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं. बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे. लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोला क्योंकि लाइट को ट्रैप किया, डार्क को डार्क इसलिए नहीं बोला, डार्क को कि सनलाइट की अब्सेंस में होती है, डार्क को डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली लाइट को यूज नहीं करता. अगर कोई अंधेरा है, डार्क प्लेस है और वहां प्लांट को रखा गया तो डार्क रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है, बट फॉर द सर्टेन टाइम. क्योंकि अगर उसको सप्लाई ATP और NADPH की मिलनी बंद हो जाएगी तो डार्क रिएक्शन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी. यानी कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेड होती है. ठीक है, बट डार्क रिएक्शन हम ये बोल रहे हैं लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंड नहीं करती, इसीलिए हम उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, समझेंगे इस बात को. चलिए अभी आगे देखिए, हेज एंड स्लैक साइकिल और C4 साइकिल. C4 प्लांट्स में क्या होता है, C4 प्लांट्स हम उनको बोल रहे हैं जिनमें सबसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिक्स करते हैं तो सबसे पहले 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है. और वो मॉलिक्यूल क्या है,
वो मॉलिक्यूल है आपके पास में, ये देखिए ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। बट ये सी फोर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि मिसोफिल सेल्स के साथ साथ में बंडल शीट सेल्स जो होती हैं, जो वेस्कुलर बंडल को कवर करके रखती हैं, वो सेल्स भी क्या करती है, पार्ट लेती है फोटोसिंथेसिस में। ये पूरा प्रोसेस इन दोनों सेल्स के अंदर होता है। कैसे होता है देखिए, एक्चुअल में जो एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यहां पर फास्फोइनोल पाइरूवेट पैप जो होता है वो इसको एक्सेप्ट करता है। वहां पे कौन था, वहां RUBP था, है ना, RUBP यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट वहां पे था, यहाँ पे पैप है। पैप के एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, बनाता क्या है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, चार कार्बन वाला मॉलिक्यूल, इसलिए इसको हमने बोला C4 साइकिल। नाम ये ऑक्सेलो एसिड, यहाँ पे मैलिक एसिड और बाकी जो है वो भी बनते हैं, सक्सिनिक एसिड वगैरह भी बनते हैं। ये ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जो है ये ट्रांसपोर्ट होकर जाता है किसमें, बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में जब ये जाता है वहां होता है डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और बंडल शीट सेल के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है क्या, RU-RUBISCO राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम, जो क्या करता है पूरा का पूरा केल्विन साइकिल परफॉर्म करवाता है। यानी केल्विन साइकिल चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, दोनों में परफॉर्म होता है। ये आप बात ध्यान रखेंगे, दोनों में होगा, लेकिन यहाँ एक एडिशनल पाथवे भी चल रहा है C4 प्लांट के अंदर, ठीक है, जो कि C3 में नहीं होता। फिर यहां पर क्या होगा, यहाँ तीन कार्बन वाला एसिड जो है वो रिमूव हुआ, जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपके हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मिसोफिल सेल्स है वहां, और वहां रीजनरेशन हो जाएगा वापस किसका, पैप का रीजनरेशन रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो वापस में लास्ट जो फर्स्ट सबसे पहले यूज में आने वाला मोलिक्यूल है उसका रीजनरेट होना वापस जरूरी है, देन पैप का यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस रीजनरेशन प्रोसेस में यहाँ कितने ATP की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 ATP की। अगर आप कंपेयर करेंगे C3 में रीजनरेशन के टाइम पे RUBP के 1 ATP की रिक्वायरमेंट रहती है, तो यहाँ एडिशनली देखिए 2 ATP की रिक्वायरमेंट है। यानी देखिए यहाँ पे एडिशनल कितने हो जाएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को लाए हैं अभी तो ये, फिर जब यहाँ पे केल्विन साइकिल के अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को पहुंचाने के लिए अभी इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये साइकिल को और परफॉर्म करवाना पड़ेगा बार बार, यानी 6 बार परफॉर्म होगा ये। यानी यहाँ पर 2 ATP एक बार एक साइकिल में यूज में आ रहे हैं, तो 6 बार में कितने हो जाएंगे, 6 × 2 यानी टोटल कितने हो गए, 12 ATP। यानी आप इसमें ऐड कर दीजिए 18 के साथ में प्लस 12 और, है ना, 18 तो केल्विन साइकिल में चल ही रहे हैं, ATP काम में आ रहे हैं, यहाँ 12 और एडिशनल यहाँ यूज में आएंगे, तो 18 प्लस 12 कितने हुए, 30। तो 30 ATP का यूटिलाइजेशन होता है C4 प्लांट के अंदर डार्क रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि यहां पर एक एडिशनल साइकिल भी चलता है जिसमें ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनता है, चूंकि ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनता है इस वजह से हम इनको C4 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इसके बारे में, तो ये हो गया C4 साइकिल के अंदर। चलिए फोटोरेस्पिरेशन क्या है, फोटोरेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो मेन एंजाइम है जो कि है RUBISCO जो केल्विन साइकिल को परफॉर्म करवाता है, हैच एंड स्लेक साइकिल अलग है, ठीक है, जो हम लोगों ने एक एडिशनल साइकिल बात किया दैट इज द हैच एंड स्लेक साइकिल, C4 साइकिल जिसको हम बोल रहे हैं, जो केवल C4 प्लांट्स में ही होता है। बट हम यहाँ बात करें केल्विन साइकिल से रिलेटेड, देखिए केल्विन साइकिल में RUBISCO मेन है, वो कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन करवा सकता है, यानी उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की और ऑक्सीजन से जुड़ने की दोनों से ही होती है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है, क्योंकि RUBISCO जो है अगर उसको जिसकी भी कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी ऑटोमेटिकली वो उसी के ऊपर काम करेगा, ये तो आप भी जानते हैं, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एंजाइम जो है उसी के साथ जुड़ेगा। तो देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इन दैट केस RUBISCO जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, अगर ऑक्सीजन की कंडीशन कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो उस कंडीशन में RUBISCO क्या कर सकता है, उसके अंदर RUBISCO जो है वो एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल जो है PGA के नहीं बनाकर फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरेट का बना देगा, दो मॉलिक्यूल इनके बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना, ये तो काम ही नहीं आया, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो PGA चाहिए था ताकि हम लोग आगे शुगर बना सकें। तो इस वजह से क्या है, ये एक फोटोरेस्पिरेशन हम बोल देते हैं, इसका अभी तक हमें फंक्शन पता नहीं है, बट एक वेस्ट हम बोल देते हैं प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ये किस में होगा, ये C3 में होगा, C4 में पॉसिबल नहीं है। कैसे, देखिए C3 प्लांट में तो क्या है, RUBISCO जो है जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि जहां पे अवेलेबल है RUBISCO को, सेम क्योंकि मिसोफिल सेल्स हैं, मिसोफिल सेल्स क्या कर रही हैं, अब वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस तो हो ही रहा है ना, वहां पे ऑक्सीजन भी मिल रहा है उनको, क्योंकि ऑक्सीजन जो खुद उनकी थाइलेकोइड की, अगर आप बात करेंगे कि ये मिसोफिल सेल्स हैं, मिसोफिल सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, वही आपकी थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है वहां पे हम ये बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली मिसोफिल सेल्स के अंदर है ही, और वैसे देखा जाए तो उसके स्ट्रोमा पार्ट के अंदर ही क्या हो रहा है, केल्विन साइकिल जो है वो परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे उसको स्ट्रोमा पार्ट में जब ये केल्विन साइकिल परफॉर्म हो रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो भी मिलेगा, और बाहर से आने वाली CO2 जो है उसकी भी सप्लाई होगी, बट ऑक्सीजन जो कि यहीं बनता जा रहा है, तो RUBISCO के
O2 के साथ जुड़ने की एफिनिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। तो C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगा बट C4 में नहीं होगा। रीजन देखिए, मिसोफिल सेल के साथ में यहाँ बंडल शीट सेल होती है। मिसोफिल सेल के अंदर तो क्या है, ये काम हो ही नहीं रहा है। मिसोफिल सेल में ये जो आपकी क्लोरोप्लास्ट है, अब बंडल शीट सेल के अंदर है। बंडल शीट सेल के अंदर केल्विन साइकिल परफॉर्म हो रहा है, यहाँ रुबिस्को है, ठीक है ना, यहाँ पे ये काम हो रहा है। जबकि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मिसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे तो क्या होगा, वहां केवल ऑक्सिलोएसिटिक एसिड बना, वहां रुबिस्को है ही नहीं। जबकि रुबिस्को जो है वो कहाँ है, बंडल शीट सेल में है, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा मिल नहीं रही है। यहाँ तो क्या हो रहा है, केवल वो ऑक्सिलोएसिटिक एसिड जो आया और आने के बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता जा रहा है। तो यहाँ तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कंसेंट्रेशन जो है बढ़ रही है। तो C4 प्लांट के अंदर चूंकि बंडल शीट सेल के अंदर रुबिस्को होता है और वहां सिर्फ CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस की वजह से। डीकार्बोक्सिलेशन किसका, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस की वजह से। वहां सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, इस वजह से वहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। C3 के अंदर रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्लियर। तो C3 जो है फोटो रेस्पिरेशन करेंगे, C4 नहीं करेंगे। फिर आ जाता है फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, कि कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो यहां पे एक लॉ आता है, ब्लैकमैनस लॉ। ब्लैकमैनस लॉ क्या कहता है, देखिए होता क्या है कि आपके घर में चार लोग हैं, आपके मम्मी पापा दादा दादी, ठीक है। अब इन चारों में से किसकी डांट का असर सबसे ज्यादा होगा, आप मेरे ख्याल से उसकी डांट का असर सबसे ज्यादा होगा जो सबसे कम डांटता होगा। रीजन, क्योंकि जो डेली डांटता है उसकी डांट का तो असर हमें पे होना बंद वैसे ही हो जाता है। तो जो सबसे कम डांटता होगा उसकी एक बार डांट से हमें फर्क पड़ जाता है। जैसे हमारे दादा ने अगर हमें डांट दिया तो हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं कि अरे दादा ने हमें कैसे डांट दिया, वो तो इतना प्यार करते हैं। तो जो कम डांटता है उसके असर ज्यादा होता है, यानी कि लिमिटिंग जो होते हैं, जो कहते हैं ना लिमिटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, उनकी अगर क्वांटिटी में भी थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए तो वो इफेक्ट ज्यादा करता है। तो यही है ब्लैकमैनस लॉ। वो क्या बोलता है कि अगर कोई एक कंडीशन है ना, हम ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कोई भी केमिकल प्रोसेस है जो एक से ज्यादा अगर फैक्टर से इफेक्टेड हो, तो उनमें से सबसे कम क्वांटिटी के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी कंसेंट्रेशन में कम या ज्यादा होने से उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टली इफेक्ट किसकी क्वांटिटी में चेंज, जो सबसे कम मात्रा में जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसकी क्वांटिटी थोड़ी भी कम या ज्यादा होगी तो उस थोड़े से चेंज को ही क्या हो जाएगा, इफेक्ट कर जाएगा वो पूरा केमिकल, मतलब वो चेंज जो है वो इफेक्ट करेगा किसको, केमिकल प्रोसेस को। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था, ठीक है। अब ये आ जाते हैं फैक्टर कौन कौन से है। देखिए फैक्टर तो बहुत सारे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कई हैं, लीफ की पोजीशन जो है ना वो भी एक फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट जो है वो भी एक फैक्टर है, फिर हम ये बोल रहे हैं कि वाटर की सप्लाई है वो भी एक फैक्टर है, CO2 ऑक्सीजन जो है उसकी इनकी कंसंट्रेशन जो है वो भी एक फैक्टर है, फिर हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो भी एक फैक्टर है, ठीक है, और सनलाइट, लाइट वगैरह जो है, लाइट के तो कई तरीके के केसेस हैं, वो सभी फैक्टर्स ही हैं जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, जिसमें चार मेजर जो हम बोले फैक्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है लाइट। तो देखिए लाइट जो है, लाइट की क्वालिटी कैसी है ये भी इफेक्ट करेगी, लाइट की इंटेंसिटी और कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन जो है ना वो भी इफेक्ट करता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस। लाइट की क्वालिटी, जितनी ज्यादा अच्छी लाइट होगी यानी ब्लू एंड रेड लाइट जो है आ रही है तो फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, और ड्यूरेशन बढ़ेगा तो भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। फॉर द एग्जांपल समझें, सर्दियों के अंदर ड्यूरेशन कम होता है, गर्मियों में ड्यूरेशन लाइट का ज्यादा होता है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कब होगा, गर्मियों में। ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट कब होती है, गर्मियों में ज्यादा इंटेंसिटी की होती है, सर्दियों में कम इंटेंसिटी की होती है, ऐसा है बिल्कुल, तभी तो क्या होगा ये, इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो देखिए लाइट की इन तीनों चीजों का इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए ग्राफ भी दिया गया है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इंटेंसिटी पर। लाइट की इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस की रेट को एक टाइम तक तो क्या करती है, बढ़ाती है, लेकिन फिर जब वो ऑप्टिमम रेंज में पहुंच जाती है तो उसके बाद में लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाई जाए उसके बाद में फोटोसिंथेसिस की रेट वही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हमें शो करता है, ठीक है, ये हो गया लाइट। हम बहुत ही शॉर्ट में इन फैक्टर्स को देखेंगे क्योंकि ये हमारे ख्याल से छोटी सी एक एक दो दो लाइंस में अगर हमें क्लियर हो जाती है बातें तो बहुत है समझने के लिए कि यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बिल्कुल इफेक्ट करेगी, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, सीधी सी बात है, ज्यादा जिसकी अवेलेबिलिटी वही ज्यादा काम करेंगे। तो देखिए CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत इफेक्ट पड़ेगी, लेकिन CO2 की खुद की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में सबसे कम है, देखिए कितनी है भाई, 0.032-0.04% है, इतनी कम कंसंट्रेशन है, उसमें भी चाहिए, लड़ने वाले लोग बहुत ज्यादा है क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं वो सभी के सभी क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। वहां पर भी क्या है, हमारे पास में कॉम्पिटिशन है C3 एंड C4 प्लांट के अंदर, देखिए कैसे C4 प्लांट जो है वो तो कितना लेते हैं, वो 360 माइक्रोन पर लीटर जो है ना
वो इतनी उनको कंसंट्रेशन चाहिए किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि C3 प्लांट्स को इनकी कंसंट्रेशन चाहिए 450 माइक्रोन पर लीटर, यानी कि रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है, C3 की ज्यादा है, बट इतनी लाइट नहीं दे सकता, 400 तक की लाइट, सॉरी इतनी CO2 जो है अवेलेबल नहीं हो सकती, केवल 400 माइक्रोन पर लीटर जो है इस हम बोलते हैं कि क्वांटिटी के अंदर ही CO2 जो है वो अवेलेबल हो सकती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की रेट किसमें ज्यादा होगी, C4 में ज्यादा होगी बजाय C3 के, यस ऑफकोर्स C4 में ज्यादा है, C3 में कम है। चलिए टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा हाइट वहीं पे रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस की ज्यादा होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा फोटोसिंथेसिस की रेट उतनी ही कम होगी। अब इस चीज को समझने के लिए ऐसे है कि डेजर्ट एनवायरमेंट है जहां पर वहां सनलाइट बहुत ज्यादा है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होती है, जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे फोटोसिंथेसिस की रेट उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो जैसे कि कंपेयर कर लीजिए आप, जहां पे भी कम सर्दियों, जहां पे थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है वहां पे फोटोसिंथेसिस की रेट, और हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा होता है। पहाड़ों वहाड़ों पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखो ऑक्सीजन की मात्रा में डिफरेंस आपको इसी वजह से भी मिल जाएगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा होता तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी मिल जाती है, पर उस पर भी और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। चलिए इतना डिटेल में डीपली हम नहीं जाते। वाटर जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वाटर केवल फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिटिंग के लिए नहीं चाहिए, वाटर तो पूरे प्लांट की खुद की हम बोलते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, पर उसके ज़्यादा वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पानी इफेक्ट कर जाता है, क्योंकि पानी जो है वो एक्चुअल में रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती है और उसके साथ में मिनरल्स को भी लेके आती हैं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि प्लांट के खुद के ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए उन मिनरल आयंस की बहुत ज़रूरी है, और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो तो वैसे ही कोफैक्टर के फॉर्म में इन्हीं मिनरल एलिमेंट्स जो है उनको एज ए कोफैक्टर काम में आते हैं, तो एंजाइम एक्टिवेट होकर फंक्शन कर पाते हैं। तो प्लांट के अंदर पानी जो है वो मल्टी डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट करता है, तो वाटर तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है फॉर प्लांट, हमारे लिए इतना एसेंशियल है तो प्लांट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि हमने इसकी एसेंशियलिटी के बारे में डिस्कस किया है जब ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने पढ़ा था उस टाइम पे भी, और अभी हमने इसके स्प्लिटिंग के बारे में भी पढ़ा। तो वाटर मेन इंपॉर्टेंट हम ये बोल सकते हैं फैक्टर है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। तो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आया होगा, और वैसे ये चैप्टर्स बहुत आसान है, आप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे डेफिनेटली, और ये वीडियो देख लिया अगर आपने क्लियर तो पक्का कर लेंगे। तो चलिए, आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस आपको देते हैं, तो फटाफट से उन फॉलो अप क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज कुछ ज्यादा मैं लेके आई हूँ फॉलो अप क्वेश्चंस, वो रीजन ये है कि चैप्टर बहुत अच्छा है और इनसे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप इन 10 क्वेश्चन को कर पाए ना तो आप समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस आपने बहुत हद तक क्लियर कर लिया है, फिर और क्वेश्चंस भी करिए तो आप और जो है इस चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं। चलिए और ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना समझ में आया है, मुझे पता चल जाएगा आपके कितने राइट आंसर आते हैं उससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बाय बाय।